कबाड़ी वाला भी क्या कबाड़ी वाला ये। तो गाइस आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी के लिए सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। एंड आज मैं ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से देख लो मेरी हालत, मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। तो आज कान्हा जी भी नहीं है, चुप, कान्हा जी का मतलब श्रृंगार वगैरह करना है। तो गाइस बारिश आने वाली है, कभी भी आ सकती है, तो मैं फटाफट अपने ऊपर से कपड़े ले आती हूँ। और मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, प्लीज आप वेदर देखो यार, कितना बढ़िया हो रहा है। चारों तरफ से घेरा हुआ है बादलों ने और बहुत मजे वाली बारिश हो जाएगी, तो शायद गर्मी भी कम हो जाए। तो मैं आई थी कपड़े उठाने के लिए, कपड़े उठा लेती हूँ नहीं तो बारिश में सारे गीले हो जाएंगे और मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अभी बहुत मतलब काफ़ी कुछ काम है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो मैं कल ले आई थी और काफ़ी कुछ है जो कल अभी मुझे बाहर से लाना है, मतलब जो फ्रेश चाहिए, जैसे केक लेके आना है कान्हा जी का, माखन लेके आना है, मिश्री तो मेरे पास घर पे ही रखी है। तो चलो फटाफट कपड़े उठाते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, भूख भी लग रही है। मैंने फास्ट नहीं रखा हुआ, मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, कभी नहीं रखा है मैंने शुरू से, तो मैंने इसीलिए को मैंने रखा नहीं है। तो बस पूजा पाठ करेंगे रात को, चलो जैसे भी होगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो स्टे ट्यून। ड्रेस और ये रहा उनका, उनकी पगड़ी, ये उनके गले का, मैं अभी सारा करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। चलो अब शाम की आरती मैंने कर ली है और कान्हू देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, मन मोह लिया है। वो बोलते हैं जो वो है, इनके इयररिंग्स हाथ के पैर के तो दिख ही नहीं रहे ड्रेस की वजह से, बहुत प्यारे लग रहे हैं कान्हू जी। तो चलो अब बाद में मिलेंगे आपसे। मैं दिखा रही हूँ केक नहीं बचा। तो गाइज मैंने किचन वगैरह सारी साफ़ कर दिए, बर्तन वर्तन धो दिए और किचन पूरा क्लीन कर दिया। अब मैं जा रही हूँ खीरे को काटूँगी और इसमें कान्हा जी को रखूँगी एंड फिर 12 बजे पूजा करेंगे और इनका जन्म करेंगे। तो चलो गाइज मैं आपको टाइम दिखाती हूँ पहले और बाहर का मौसम दिखाती हूँ, चेक करो। मतलब इतनी ज़्यादा बिजली कड़क रही है ना, आई थिंक बारिश स्टार्ट भी हो जाएगी क्योंकि देखो कृष्ण जी का जन्म है। तो ये देखो हाँ जी, और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, कहीं पे कीर्तन हो रहा है क्या अपनी गली में ही। और ये देखो टाइम, ये तो गेम आ रही है। तो गाइस 11:15 हो गए और आप वेदर चेक करो यार, इतनी ज़्यादा बिजली हो रही है ना, मतलब मत ही पूछ। सब पापा को देखिए, ये अभी तक सोया नहीं है, आई थिंक हमारी गली में ही कहीं कीर्तन हो रहा है, चलो देख के आते हैं। देखो मौसम, और ऐसा मौसम कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन था, आप सभी को पता है जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो ऐसा मौसम हर जन्माष्टमी पे होता है, पर आज वाला कुछ ज़्यादा ही मस्त है यार। बिजली मैं आपको दिखाती हूँ, लिटरली दिख रही है जो हो रही है, देखना ये देखो, माय गॉड बहुत तेज तेज हो रही है।
गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और नहीं नहीं ऊपर चलो, अंदर चलो। तो देखो यार, मतलब आज इसमें फीलिंग आ रही है कि जन्माष्टमी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश आ रही है, तो आज लग रहा है सच में कि जन्माष्टमी में कृष्ण जी प्रकट होने वाले हैं साक्षात धरती पे कुछ देर और उसके बाद हमारे कृष्ण जी हमारे बीच होंगे। तो मतलब तो मैं ना सच में मैं पूजा पाठ बहुत कम करती हूँ, मतलब मैं ज़्यादातर विश्वास रखती हूँ मन की पूजा पे। पर हाँ जैसे त्यौहार वगैरह किसी भगवान का स्पेशल डे होता है तो वो मैं ज़रूर करती हूँ, पर मैं जब भगवान के बारे में सोचती हूँ ना तो या कुछ मन से फील करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। मुझे पता नहीं मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है। प्लीज़ आप लोग बताना, अभी बारिश हो रही है तो अंदर चलते हैं। चलो अंदर चलो 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 अंदर चलो चलो बेटा, बारिश हो रही है जाजे, बारिश हो रही है जा, चलो 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 बच्चे, ओए ओए चलो 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 चलो। तो गाइस मेरा जो ये खीरा है ये पता नहीं क्या लग गया इस पे, वो धूप का वो लग गया। तो मेरा जो ये खीरा है ना मैंने कट तो कर लिया था, बट मेरे कान्हा जी थोड़े बड़े हैं तो इसमें नहीं आ रहे हैं, तो मैं इनको ऐसे ही कर दूंगी, मतलब ऐसे ही जब मतलब 12 बजेंगे तो बस ऐसे कर देंगे। और इसमें से कान्हा जी का मतलब जन्म करवा है, मैं देखी नहीं रहा आप लोगों को, मतलब ऐसे कर देंगे और कान्हा जी का जन्म करवा देंगे। और कान्हा जी रेडी है अपने बर्थडे के लिए। ये मैंने माखन मिश्री का भोग भी तैयार कर लिया है और मैंने जोत भी निकाल लिया। यार ये घी कैसे नीचे गिर गया पता नहीं क्या। तो मैंने जोत भी बना ली है, धूप वगैरह रेडी कर ली है, बस अब पूजा करेंगे। 12 बज जाए उसके बाद, अभी टाइम हो रहा है कितना, अभी बज रहे 11:58, अभी 2 मिनट और फिर कान्हा जी का बर्थडे। और मैं केक तो गाइस मतलब खीरे में, खीरे के पीछे जो परंपरा है ऐसा, मतलब हमारे पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि खीरे के अंदर से कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कृष्ण जी के उत्पन्न हुए मतलब सॉरी उसमें से निकले थे ऐसा माना जाता है। तो मैं अपने घर में बचपन से सुनती आ रही हूँ तो इसीलिए मैंने भी ऐसा किया है। मैं मतलब हर बार ऐसा ही करती हूँ कि एक जो मतलब खीरा होता है ज़रूर लाती हूँ और उसमें मैं कट करके रख देती हूँ और पूरे 12 बजे उसको हटा देती हूँ। एंड क्या बता रही थी यार मैं, हाँ इसीलिए जो आप लोगों ने देखा होगा कि खीरे को हम व्रत में भी खा सकते हैं और इसको हम मतलब पूजा पाठ में भी यूज़ करते हैं, एज अ प्रसाद भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब्जियों में नहीं आता है, इसमें से कृष्ण जी के उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए चलो अब केक कट करते हैं, टाइम हो गया 1 मिनट बाकी है तो मैं केक निकालती हूँ। और गाइस हमारी लाइट चली गई है, हैप्पी गाइस ये रहा लड्डू का केक और मैंने इस पे लिखवाया भी लड्डू, ये देखो। तो आ जाओ आ जाओ शंभू, जल्दी आ जाओ, ये मेल्ट हो रही है, जल्दी आ जाओ। हैप्पी बर्थडे लड्डू, क्या हो गया? नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के घर नंद
भयो जय कन्हैया लाल की, बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सारा पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया, प्रसाद वगैरह हम लोगों ने खा लिया है और मैंने चेंज भी कर लिया है क्योंकि उस ड्रेस में बहुत गर्मी लग रही थी। तो अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलेंगे, बाय बाय गाइस।